आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस करें और तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक जरूर करें। क्लास 11th का एक्सरसाइज 8.2 है और क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है आपके। इसमें आपको क्या करना है, इसका करना है प्रसार करना है, इसको सूत्र के रूप में आपको लिखकर प्रसार करना है, जिसमें आपको a की पावर m और a की पावर n का गुणांक ज्ञात करना है और वो गुणांक दोनों ही बराबर होने चाहिए। इसका गुणांक और इसका गुणांक दोनों ही बराबर आने चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। तो जब भी गुणांक ज्ञात करना है तो सिंपल हमें वो व्यापक पद वाला फॉर्मूला लगाना है। तो ये सूत्र हो जाएगा आपके टी एन, या सिंपल कह दो आप टी आर प्लस वन बराबर होता है आपके एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर एंड बी की पावर हो जाएगी आपके यहाँ पर आर हो जाएगी। ये फॉर्मूला होता है ये जब भी क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ हो। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई गुणांक वगैरह ज्ञात करना हो तो ये हम काम में लेते हैं। अब यहाँ पर आपके R का मतलब क्या लेना, यहाँ पर N का मतलब तो ये दे रखा आपके, A का मतलब तो है 1, ये रहा आगे सबसे आगे जो लिखा हुआ है आपके वो आपके हो गया है A का 1। B का वैल्यू जो है वो दे रखा आपके A, वो ये दे रखा है। N की जगह मतलब यहाँ पर पावर N है ना, तो N का मान दे रखा है आपके m प्लस N। अब ये आपको यहाँ पर रखना है और R ज्ञात करना है तो वो भी हम बता देते हैं। R की जगह R रखो, अभी चेंज नहीं करना है। तो हम ऐसे लिखते हैं टी आर प्लस वन बराबर N का मान जो है वो है m प्लस N, R का R ही रखो। A का मान यहाँ पर दे रखा है 1, एक दे रखा है और ऊपर लिखेंगे हम N का मान है m प्लस N, माइनस आर का माइनस आर हो जाएगा और बी का मान हो जाएगा आपके यहाँ पर। बी की जगह क्या लिखना है आपको, बी का वैल्यू ए के बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर ए की घात आर, ऐसे आपको लिखना है। अब अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमें देखो ए की घात आर दे रखी है जबकि हमें यहाँ पर ए की घात एम चाहिए। इसका मतलब जहाँ जहाँ आर है वहाँ आपको एम लिखना है क्योंकि हमें a की पावर m का गुणांक चाहिए, इसीलिए। तो हम यहाँ लिख देते हैं t m प्लस वन, फिर यहाँ आएगा आपके m प्लस n c और यहाँ हो जाएगा आपके r का मान हो जाएगा m, क्योंकि r के m मानना है। और एक पर कितनी भी घात हो ये ध्यान रखना हमेशा, एक पर कितनी भी घात हो वो उसको लिखो नहीं लिखो उसको इग्नोर कर दो तो भी चलता है। तो हम केवल ये लिखते हैं a का a और r की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर m लिख देंगे। अब अगर हमें ज्ञात करना है गुणांक, हमें ज्ञात करना है a m का गुणांक ज्ञात करना है, तो जो उसके पास में लिखा हुआ है इसका गुणांक हो जाएगा ये वाला m प्लस n c की पावर, ये हो जाएगी आपके m हो जाएगी। अब इसको आप हल कर लो। अब जैसे हमने ये वाला किया है सेम अगर आप सिमिलरली ऐसे ही करोगे, या कहते हैं इसी प्रकार अगर आप सेम n का मान रखकर करते हो तो a की पावर n का जो गुणांक है वो भी यही आने वाला है m प्लस n और नीचे आ जाएगा यहाँ पर n आ जाएगा। बस सेम यही इसी प्रकार करोगे तो यहाँ पर नीचे आपके m आया है तो यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। n मानोगे तो n आ जाएगा और m मानोगे तो m आ जाएगा, दोनों में लिखना तो वही है, आएगा तो वही। अब इसको आपको हल करना है आपको। अब आपको ये बताना है कि ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल है ये बताना। तो सिंपल लेते हैं पहले, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर इक्वल है या नहीं है प्रूव करके दिखाना है। तो पहले हम ये लेते हैं सूत्र, आपको बता रहा ये सूत्र है इसका ज्ञात करने का n माइनस आर और यहाँ पर आ जाएगा आपके r डैश, ये फॉर्मूला है ज्ञात करने का। n जो है ये फॉर्मूला किसका है आपके n c r का फॉर्मूला है,
तो ये ध्यान रखना बस। अब ऊपर n क्या है आपके, n जो है वो है आपके m प्लस n का फैक्टोरियल। अब जो ऊपर लिखा हुआ था सेम नीचे भी लिखना है, तो हम लिखेंगे आप m प्लस n माइनस r, r की जगह लिखना है आपको m का फैक्टोरियल, फिर r का मतलब होता है m का फैक्टोरियल। ये क्या चीज़ सब सेम आपको इधर लिखनी है आपको m प्लस n का फैक्टोरियल बटा m प्लस n माइनस, अब इस बार आपके r की जगह n है और पीछे आएगा n का फैक्टोरियल, दोनों बराबर ही आएंगे देख लेना आप। तो यहाँ पर देख लीजिए m से m हो गया आपके कैंसिल, तो क्या आया m प्लस n का फैक्टोरियल, और इधर बचा है आपके n का फैक्टोरियल, इधर बचा है m का फैक्टोरियल, और ये भी इधर भी सेम आएगा आपके m प्लस n का फैक्टोरियल। यहाँ पर ध्यान लगाएंगे तो देखो n से n हो जाए कैंसिल, तो क्या बचा इधर m का फैक्टोरियल, उधर क्या बचा है n का फैक्टोरियल, दोनों क्या हो गए आपके बराबर। आप तो अलग अलग याद कर लो, बाद में दोनों को इक्वल में आप लिख सकते हो, ऐसे आपको सिंपल तरीका है याद करने का, इजी तरीका है। तो ये आपके आ गया होगा समझ में आपको। अब है आपके क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है आपको, ये लिखा हुआ है कि आपको x प्लस 1 की पावर n का प्रसार करना है, फैलाना है उसको। तो इसमें एक तो ये वाला पद, एक r वा पद, एक r प्लस 1 वा पद के गुणांकों को ऐसे लिखा हुआ है, किसी भी पद का अगर गुणांक ज्ञात करना है, जैसे देखो ध्यान दो सिंपल, अगर मैं यहाँ पर ऐसे ले लूँ a प्लस बी की घात 2 ले लेता हूँ, तो क्या होगा आपके ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है r वा पद, r माइनस 1 वा पद, इसमें अगर मैं कह दूँ कि दूसरा पद का अगर आपको गुणांक ज्ञात करना है, तो a को भी नहीं लेना है, b को भी लेना है, केवल आपको संख्या को लेना है, तो a वाला भी हट जाएगा और b वाला भी हट जाएगा, केवल आपको नंबर लिखना है, इसके अलावा कुछ लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखना है। अगर मुझे अगर कोई कह देते कि बताओ a का गुणांक बताओ, तो क्या होता आपके 2b, a का पूछे तो 2 और b, b का पूछे तो 2a, लेकिन अगर आपसे पद का पूछे तो आपको केवल नंबर पर ध्यान देना है, a b पर ध्यान आपको नहीं देना, ये ध्यान रखना, केवल आपको नंबर लिखना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पर आपके तीन पद हैं, तीनों का गुणांक भी आपके दे रखा है, ये तीन पद साथ में इनके गुणांक, और हमें n और r का मान क्या करना है आपको ज्ञात करना है। सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सूत्र वही लगाना है जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में लगाया था, वही क्वेश्चन लगाना है। टी आर प्लस 1 बराबर होता है एन सी आर ए की पावर n माइनस आर, और बी की पावर होती है आपके यहाँ पर आर होती है। अब मुझे ज्ञात करना आर माइनस वन वा पद, आपको पता है देखो अगर मुझे यहाँ लिखा होता पांचवा पद बताओ, अगर केवल पांचवा पद लिखा हुआ होता उसका मतलब क्या होता टी पाँच, तो आर कितना होता 4, एक जस्ट कम होता हमेशा, क्योंकि टी पाँच को हम ऐसे लिखते हैं टी आर प्लस 1 लिखते हैं, मतलब ये आर कितना आएगा 1 कम आएगा, आर कितना होगा हमेशा 1 कम। देखो यहाँ पर अगर 4 होता, जैसे अगर यहाँ पर होता कि पूछ ले आपसे कि 10वां पद, इसमें आर का मान क्या आएगा आपके 9 होगा, मतलब जितना आपके पद पूछा है ना उससे 1 कम होगा, ये आपको ध्यान रखना है बस, और कुछ ज़्यादा ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है, हमेशा आर जितना पद दे रखा है उससे 1 कम होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे टी का टी, अब यहाँ पर r, r का मान क्या होगा जितना दे रखा उससे 1 कम, तो यहाँ पर दे रखा r माइनस 1, तो देखो यहाँ पर मैं प्लस 1 का प्लस 1 लिख देता हूँ, और जो यहाँ पर r है ना इस r की जगह मैं क्या करता हूँ जितना वहाँ पद दे रखा उससे 1 कम लूँगा मैं, तो r में से अगर 1 कम लेता हूँ तो क्या होता है r माइनस 2, ये हो गया आपके r का मान हो गया। अब यहाँ पर ज्ञात करते हैं हम, यहाँ पर देखो पहले हम ये अनुपात के लिए पहले हम इसका मान ज्ञात कर लेते हैं, पद ज्ञात कर लेते हैं, तो एन सी आर का मान क्या हो गया आर माइनस 2, फिर आपको लिखना है ए की पावर, अब ए क्या है ए आपका एक्स है, और इसकी जो पावर है वो कितना दे रखा है एन का एन
और आर का मान जो है वो दे रखा है आर माइनस दो, और फिर हमें बी का मान दे रखा है एक। तो यहाँ पर घात दे रखी है, देखो ये लिखनी है घात आर, आर का मतलब क्या होता है, आर माइनस दो होता है। एक पर कितनी भी घात हो वो उत्तर एक ही रहता है, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। और एक्स पर कितनी भी घात आएगी तो वो एक्स में आएगी। तो अगर आपको केवल, अगर मान लो इसका गुणांक निकालना है, अगर आपको केवल गुणांक चाहिए तो गुणांक में ये तो एक आएगा, मतलब है नहीं, यहाँ पर एक्स एक्स आएंगे कोई मतलब है नहीं, तो आपका ये रहा गुणांक। तो आप लिख देना आर माइनस एक व का गुणांक जो है वो हो गया है एन सी आर माइनस दो हो गया। अब इसी प्रकार सेम और हम आगे करेंगे, अगर मुझे आरवे पद का गुणांक ज्ञात करना है, आरवे पद का अगर गुणांक ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, आपके ध्यान रखना, देखो एन का तो एन आ रहा है, सी का सी आ रहा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस एक था तो दो हो गया, मतलब एक ज़्यादा घटा, तो इन सब में भी एक ज़्यादा घटेगा आपके। तो यहाँ हम लिख देंगे आर माइनस वन, जितना यहाँ होगा ना उसमें से एक घटा देंगे। ऐसे ही अगर हम ज्ञात करना है आर प्लस वन वा पद, अगर आपको ज्ञात करना है उसका, अगर आपको गुणांक ज्ञात करना है तो एक और घटा दो। तो यहाँ पर देखो एक तो है ना, एक घटा देंगे तो केवल आर ही बचेगा आपके, मतलब आपको एक कम करना है। अगर मैं इसमें से एक कम कर दूंगा तो क्या होगा, कट जाएगा। ये दोनों हमने इसी प्रकार के कर देना, जैसे हमने ऊपर वाला किया था ना वैसे ही आपको ये नीचे वाले करने। अब ये गुणांक, ये तो ये एन सी आर में है जबकि एक्चुअल ये है गुणांक, तो हम क्या करते हैं इनको से रेशो में लिखते हैं, एन सी आर माइनस दो अनुपात एन सी आर माइनस वन अनुपात एन सी आर, तीनों का जो अनुपात है वो है आपके एक अनुपात तीन अनुपात पाँच। अब क्या करना है, देखो तीनों को एक साथ तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो हमें दो दो को सॉल्व करना पड़ेगा। अब दो दो के कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो यहाँ पर आपके जो इजी तरीका है ना, तो वो ये हो जाएगा आपके ऐसा है कि एक बार इन दोनों को ले लेते हैं और एक बार इन दोनों को ले लेते हैं, ऐसे कर लेना अलग अलग। तो पहले के लिए ये दोनों अनुपात और दूसरे के लिए ये दोनों अनुपात लेकर इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम, एन सी आर माइनस दो बटा, अनुपात को भिन्न में भी लिख सकते हो आप, एन सी आर माइनस वन बराबर हो जाएगा आपके एक बटा तीन। अब इसको हल करेंगे तो फॉर्मूला वही लगाएंगे हम, एन सी आर एन डैश एन माइनस आर डैश और आर डैश, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे ऊपर देखो एन है तो एन का एन ही रहेगा, और नीचे आर माइनस टू है, हम लिखेंगे यहाँ पर एन माइनस आर माइनस दो, और पीछे आएगा आपके आर का मतलब होता है आर माइनस दो के पर लाइन से। ये तो हुआ इसके लिए। अब ये लाइन मैंने खींच ली यहाँ पर लंबी वाली लाइन, इसके बराबर में लिखना है एक बटा तीन। अब इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे एन डैश, और नीचे हम लिखेंगे यहाँ पर एन में से घटाएंगे आर माइनस वन का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल बोलते हैं इसे, फिर आएगा आर माइनस वन का फैक्टोरियल। अब देखो ऊपर और नीचे दोनों जगह सेम लिखा हुआ था, ये वाला और ये वाला आपके कट जाएगा। अब ये बचा हुआ तो उसको उल्टा कर देते हैं और साथ में कोष्ठक भी खोल देंगे, क्योंकि नीचे वाले बच गए ना तो उसको उल्टा करना पड़ेगा हमें। तो हम ऐसा करेंगे, ये नीचे वाला ऊपर लिखेंगे एन माइनस आर माइनस माइनस प्लस वन फैक्टोरियल आर माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन में आ जाएगा आपके एन माइनस आर माइनस माइनस प्लस दो का फैक्टोरियल, और फिर आएगा आपके आर माइनस दो का फैक्टोरियल। अब क्या करना, जो नंबर बड़ा होता है उसको हम, जो नंबर बड़ा उसको छोटा करने की कोशिश करेंगे। तो बड़ा कौन है, ध्यान लगाना, इसमें और इसमें पहले देखें तो यहाँ पर प्लस दो है, तो ये नंबर बड़ा है, तो इसको हम खोलेंगे, खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, और इन दोनों में ध्यान लगाओ ना,
यहाँ पर दो ज्यादा घट रहा है, यहाँ पर एक ही घट रहा है, इसमें ये बड़ा है, इसमें ये बड़ा है और इसमें ये बड़ा है, तो दोनों को खोलेंगे। तो ऊपर वाले को इधर नहीं खोलना है आपको, इसको ऐसे रखेंगे हम। अब इसको अगर खोलते हैं ना तो r माइनस एक और एक घटाएंगे तो ये हो जाएगा r माइनस दो का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल लिख देना जरूर। अब यहाँ पर इसको खोलेंगे हम तो ये हो जाएगा n माइनस r प्लस दो और n माइनस r प्लस एक, मतलब एक एक कम करना पड़ेगा आपको फैक्टोरियल, और पीछे आएगा r माइनस दो का फैक्टोरियल इजिकल टू एक बटा तीन। अब यहाँ पर क्या होगा कि ध्यान रखना है थोड़ा सा आपको कि ये वाला और ये वाला कट जाएगा, ये वाला और ये वाला कट जाएगा। अब पीछे क्या बचा आपके, ऊपर तो बचा है r माइनस वन और नीचे बचा है n माइनस r प्लस का दो बराबर हो जाएगा एक बटा तीन। इसको हल करो, तिरछा गुणा कर लो तो n माइनस r प्लस दो बराबर हो जाएगा आपके, गुणा कर लो तिरछा गुणा तो क्या आएगा तीन आर माइनस तीन। अब इनको इधर लेके आ जाओ तो इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा आपके n माइनस r प्लस दो, दोनों ही प्लस के इधर भेज दो, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो एक तो n है और तीन में से एक गया, कितना आ गया आपके चार, और तीन और दो कितने होते हैं आपके पाँच, बराबर क्या हो जाएगा आपके जीरो। अब जैसे मैंने ये वाला किया है सेम, इसको हम क्या मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। जैसे मैंने ये किया है सेम आपको इसी तरह से इधर वाला भी करना है, मतलब ये दोनों लेकर तीन पाँच करके भी आपको ये वाला भी करना है सॉल्व। मतलब सिंपल मैं बता दूँ आपको एन सी आर माइनस वन बटा एन सी आर बराबर होता है तीन बटा पाँच। अब इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करना है सिंपल है, तो मैं यहाँ पर नीचे कर देता हूँ इसको, तो इसको हम इधर फर्स्ट मानकर हम आगे वाला सॉल्व करते हैं एन सी आर माइनस वन बटा एन सी आर बराबर होता है तीन बटा पाँच। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो एन का एन फैक्टोरियल हो जाएगा, नीचे आएगा एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल और लास्ट में आएगा आर माइनस वन का फैक्टोरियल। फिर इसके लिए लिखेंगे हम यहाँ बड़ी जो आएगी भिन्न आपकी आ जाएगी तीन बटा पाँच। अब इसका मतलब होता है एन फैक्टोरियल एन नहीं लिखना है आपको, एन माइनस आर का फैक्टोरियल, पीछे आर का फैक्टोरियल। तो ये वाला आपके कट जाएगा। अब आपको क्या करना है, नीचे वाले को ऊपर लाना, ऊपर वाले को नीचे उल्टा करना पड़ेगा और साथ में साइन भी चेंज कर देना। तो मैं लिखता हूँ एन माइनस आर का फैक्टोरियल और आर का फैक्टोरियल बटा एन का एन, अब यहाँ पर इसका साइन चेंज होगा माइनस का आर और आगे माइनस माइनस प्लस वन और आगे दे रखा है आर माइनस वन का फैक्टोरियल। अब देखो तो बड़ा छोटा देखना है आपको, तो ध्यान देना इन दोनों के अंदर ये वाला नंबर क्या है बड़ा है और इन दोनों में ये वाला नंबर बड़ा है, क्योंकि इसमें एक कम है उसमें एक कम नहीं है, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो इसको हम लिखते हैं सॉल्व करते हैं। देखो इसको तो सॉल्व नहीं करना है, इसको तो आप ऐसे ही रखना है क्योंकि ये छोटा नंबर है। उसके अंदर देखो आर, फिर आएगा आर माइनस वन का फैक्टोरियल, मतलब एक एक कम करना पड़ेगा आपको। अब इसके अंदर अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है आपके एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। अब एक कम करेंगे तो ये कम हो जाएगा और ये आएगा एन माइनस आर का फैक्टोरियल, और पीछे लास्ट में एन आर माइनस वन का फैक्टोरियल, ये इसको लिखा है, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, ये बीच में नहीं आएगा। सॉल्व करो इसको तो आपके ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा और साथ में आपको तीन बटा पाँच लिखते रहना है और यहाँ भी लिखना है तीन बटा पाँच। तो क्या होगा आर बटा एन माइनस आर प्लस वन बराबर हो गया है तीन बटा पाँच। अब करेंगे हम तिरछा गुणा करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो क्या होगा आपके
तीन एन माइनस तीन आर प्लस तीन बराबर हो गया है 5r। इधर भेज देंगे, इधर भेज देंगे तो क्या होगा, ये प्लस का किस में हो जाएगा, माइनस में, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये आएगा तीन एन माइनस पाँच आर, पाँच और तीन आठ आर, आठ आर प्लस तीन बराबर जीरो। ये हो गई आपके इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट हम यहाँ पर लिखते हैं, फर्स्ट जो था वो हम यहाँ लिखते हैं, ये दे रखा आपके एन माइनस चार आर प्लस पाँच, एन माइनस चार आर प्लस पाँच बराबर जीरो। इन दोनों को सॉल्व करके हम एन और आर का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो से गुणा कर देते हैं, तो क्या होगा, तीन एन माइनस आठ आर प्लस तीन बराबर जीरो, दो एन माइनस कितना हो जाएगा आपके, चार दुनी आठ आर प्लस पाँच दुनी दस बराबर जीरो, साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस ये कट गया, तो तीन में से दो गया एक एन, और इधर बच गया माइनस का दो बराबर जीरो, माइनस का सात बराबर, उधर भेज दो तो एन का मान हो जाएगा आपके सात। अब एन का मान हम क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो तीन इंटू सात माइनस आठ आर प्लस तीन बराबर जीरो, तो ये होता है इक्कीस, इक्कीस और तीन होते हैं चौबीस, उधर भेज देंगे तो माइनस के आठ आर बराबर माइनस का चौबीस, तो आर का मान हो जाएगा, भाग दे दो, माइनस चौबीस बटा माइनस आठ, तो आर का मान आ जाएगा कितना आपके तीन। तो हमने एन का मान भी ज्ञात कर लिया और आर। अब है क्वेश्चन नंबर आपके इलेवंथ, इसमें लिखा हुआ है सिद्ध करना है कि इसका अगर मैं प्रसार करूं जिसमें मिलेगा आपको एक्स एन का गुणांक, और फिर इसका प्रसार करना है इसमें भी मिलेगा आपको एक्स एन का गुणांक मिलेगा, और ये कह रहा है कि ये वाला जो है ना दोगुना है, किसका है, इसका दोगुना है, इसका एक्स एन इसके एक्स एन का क्या दे रखा है आपके दोगुना, ये करना है आपको, प्रूव करना है। तो देखो ध्यान देना है, यहाँ लिखा हुआ है वन प्लस एक्स की पावर दो की घात एन, और एक है आपके एक प्लस एक्स की घात दो माइनस दो एन माइनस एक है। अब आपको इसमें सिद्ध करना है कि इसका एक्स एन, इसका एक्स एन का जो गुणांक है वो क्या है, इसके एक्स एन के गुणांक का दोगुना है, दो एन माइनस वन में इसके एक्स एन का जो गुणांक है इसका अगर मैं दोगुना करूं तो ये दोनों बराबर है, मतलब ये छोटा है और ये वाला बड़ा है एक्स एन का गुणांक। ये कह रहा है कि इसका उत्तर डबल आएगा, इसका उत्तर आपके आधा आएगा, ये ध्यान रखना है। तो ये दोनों सिद्ध करना है कि ये दोनों ऐसे बराबर है या नहीं है, तो सिंपल है। तो हम क्या करते हैं, देखो सूत्र के हिसाब से जमाते हैं पहले हम, तो दोनों में अलग अलग याद करेंगे हम, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो सूत्र है ये टी आर प्लस वन का सूत्र है एन सी आर, ए की घात एन माइनस आर और बी की घात हो जाएगी आर। अब पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम, तो एन की जगह आपके लिखा हुआ है दो एन, ये देख लीजिए दो एन लिखा हुआ है, और ए की जगह लिखा हुआ है आपके वन, ये राजक सूत्र के हिसाब से ए आपका ना ये आगे वाला ए रहता है, ये बी रहता है, ए का मतलब वन हो गया, बी का मतलब आपके एक्स हो गया, और क्वेश्चन को जमाना सूत्र में, तो यहाँ आएगा आपके टी आर प्लस वन बराबर। अब यहाँ पर आपके n का n, n का मान कितना है, दो n है, c अब यहाँ पर आपके क्या दे रखा है, r का r n है दो, a का मान एक माइनस n माइनस r, और b का मतलब हो गया x की पावर r, हमें तो x n का गुणांक ज्ञात करना है। यहाँ पर तो आपके देखो x r दे रखा है, जबकि हमें यहाँ पर x r दे रखा है, जबकि हमें क्या चाहिए, x की घात n चाहिए, तो हम क्या करें, इसका मतलब है, इसका मतलब है जो r है वही आपका n है, r इक्वल क्या हो गया आपके n हो गया, तो हम यहाँ लिखेंगे t n प्लस वन दो एन सी, यहाँ पर r की जगह n लिखेंगे, इसका तो कोई मतलब है नहीं आपके,
एक लिखा हुआ हो तो कोई मतलब भी नहीं रहता है, तो हम सीधा लिखते हैं x की घात n। और इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं देखें तो x n का जो गुणांक है वो कितना हो गया आपके 2n c n हो गए। अब सेम अगर आपको इधर भी करना है, सेम तरीका अगर आपको इधर भी अपनाना है, तो हम क्या लिखेंगे, इसी प्रकार टी एन प्लस वन बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऊपर 2n था तो यहाँ पर भी क्या है आपके 2n आया। अब यहाँ पर आपके 2n माइनस वन है तो यहाँ पर आएगा 2n माइनस वन सी एन एक्स की पावर n। बस वो पीछे यहाँ ऊपर आपके माइनस वन है, यहाँ पर माइनस वन नहीं है, बस यही है और कोई फर्क नहीं। तो इसके हिसाब से आपके एक्स एन का जो गुणांक है वो कितना हो गया आपके 2n माइनस वन सी एन। तो इसका गुणांक ये है और इसका ये। अब ये कह रहा है कि ये डबल है, ये वाला डबल है, तो पहले इनको सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व कैसे करेंगे, इस सूत्र से करेंगे हम, एन सी आर एन डैस एन माइनस आर का डैस ये फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। तो ये उत्तर आधा आएगा और ये उत्तर डबल होगा। अब ये डबल है, डबल मतलब यही है, जैसे मान लो सिंपल है, अगर ये पाँच है और ये दस है, इसका मतलब क्या है, ये उत्तर कैसा आना चाहिए, दो इंटू पाँच ऐसा आना चाहिए। मतलब सेम इधर वाला उत्तर के सेम आपके डबल होना चाहिए, ध्यान रखना। तो हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, देखो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम इधर वाले को सॉल्व करते हैं, टू एन सी एन का मतलब क्या होता है, 2n फैक्टोरियल 2n माइनस n फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। तो इसका मतलब क्या हो गया आपके, ये हो गया है आपके 2n फैक्टोरियल। अब 2n में से एक n गया तो एक n फैक्टोरियल, इधर भी एक n फैक्टोरियल। अब सेम अगर हम इधर करते हैं, सेम चीज़ अगर हम इधर करते हैं तो क्या होगा, देखो ध्यान लगाना, यहाँ पर हम करते हैं इसका मतलब होगा आपके 2n माइनस एक का फैक्टोरियल 2n माइनस एक माइनस n का फैक्टोरियल और पीछे आएगा n का फैक्टोरियल। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 2n माइनस वन का फैक्टोरियल और नीचे आएगा 2n में से एक n गया तो क्या आया n माइनस वन का फैक्टोरियल, पीछे देर का n फैक्टोरियल। अब यहाँ पर एक एक कम किया हुआ तो यहाँ भी क्या करें, एक एक कम करेंगे, कम करेंगे मतलब एक एक नीचे से, मान लो कोई चार का फैक्टोरियल निकालना मतलब क्या होता है, चार इंटू तीन फैक्टोरियल, मतलब जस्ट एक कम। तो हम भी ऐसे करेंगे, जस्ट एक कम करेंगे, तो यहाँ तो हो जाएगा 2n इंटू क्या आएगा 2n माइनस वन का फैक्टोरियल। ऐसे इधर है n आएगा और फिर उससे एक कम आएगा n माइनस वन का फैक्टोरियल, फिर है आपके n का फैक्टोरियल। अब अगर मैं इसमें n से n काट दूं तो क्या आएगा आपके, वो का दो और 2n माइनस वन का फैक्टोरियल, नीचे आएगा n माइनस वन का फैक्टोरियल और n का फैक्टोरियल। तो इधर देखो डबल आ रहा है, इधर 2 आ रहा है आपके, इधर और इधर, इसके आंसर में और इसके आंसर में आपके 2 का फर्क आ रहा है, मल्टीप्लाई में 2 आ रहा है, मतलब ये वाला डबल है और वो वाला उसका हाफ हो जाएगा। तो सिंपल है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, केवल इसको थोड़ा सा सॉल्व करना था आपको। समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, वो जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया। तो अब है आपके क्वेश्चन नंबर है 12, इसमें m का धनात्मक मान ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात करना है, इसका प्रसार करने पर x की घात 2 का गुणांक 6 है। x की घात 2 का गुणांक 6 है तो बताओ m की जगह क्या आएगा, ये बताना है। तो यहाँ पर देखो 1 प्लस एक्स की घात m, इसके अंदर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो दे रखा है आपके 6 दे रखा है, तो बताओ m का मान क्या होगा। तो अब देखो सूत्र, आपको सूत्र ध्यान लगाना है, a प्लस बी की घात n ऐसे अगर दिया हुआ है और उसमें मुझे अगर कोई भी पद ज्ञात करना है, कोई भी पद आपको लेना है, तो सूत्र क्या होता है, गुणांक ज्ञात करने के लिए आपको पद लेना पड़ता है। सूत्र क्या है, एन सी आर
ए की घात एन माइनस आर बी की घात आर। अब इसके हिसाब से देखें तो ए का वैल्यू कितना है आपके वन, बी का वैल्यू कितना है एक्स, और एन का मान क्या है एम। ये सब आपको जमाना है यहाँ पर कंप्लीट। तो यहाँ पर हम लेते हैं, स्टार्ट करते हैं टी, अब टी एन नहीं कहते यहाँ पर, आर प्लस वन कहते हैं। तो टी आर प्लस वन बराबर, अब यहाँ पर आपको एन, एन की जगह क्या लिखना है आपको एम यूज करना है, आर की जगह अभी तो हम अभी तो कुछ नहीं करेंगे, बाद में यूज कर लेंगे, और ए की जगह आपको वन यूज करना है, एन की जगह एम लिखना है, माइनस आर लिखना है, और बी की जगह आपको एक्स लिखना है क्योंकि बी का मान एक्स है, और यहाँ पर हम लिखेंगे आर। देखो हमें ज्ञात करना है एक्स दो का गुणांक लेना है, इसका मतलब है यहाँ पर आपके एक्स आर लिखा हुआ ना, यहाँ पर आपको एक्स दो लेना है, इसका मतलब है कि आपको आर का मान दो रखना है। तो हम रखें दो प्लस एक, इसके अंदर रखना है, इस पूरे के अंदर आर का मान क्या रखना है आपको दो रखना है। तो रखो, तो एम का एम सी दो, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, एक पर कितनी भी घात हो कोई मतलब नहीं रहता है। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स की घात कितनी हो जाएगी आपके, एक्स की घात आ जाएगी आपके दो ऐसे। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यहाँ पर m का तो m ही रहेगा, m का धनात्मक मान हमें ज्ञात करना है, इसीलिए इसको कोई चेंज नहीं करेंगे हम यहाँ पर, ये तो कोई मतलब है नहीं आपके। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना है छः है। अब लेकिन एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पर कितना है एम सी टू है, तो हम ये लिखते हैं एम सी टू बराबर कितना देर का आपके छः देर का। अब इसको हम हल करेंगे क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर गुणांक इसके हिसाब से एम सी टू है लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से छः है, इसको हल करेंगे। सूत्र आपको पता ही है, एन सी आर बराबर होता है एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल और एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल, ये सूत्र है, ये जमा है आप। तो यहाँ लिखेंगे हम एम फैक्टोरियल, नीचे लिखेंगे हम एम माइनस, अब आर का मतलब कितना है दो देर का, तो यहाँ लिखेंगे दो फैक्टोरियल, और यहाँ लिखेंगे दो का फैक्टोरियल इज इक्वल टू छः। सॉल्व करेंगे, अब फैक्टोरियल लिखा हुआ तो एक एक कम करना पड़ता है, तो हम यहाँ करेंगे हम m, फिर आएगा आपके m माइनस वन, फिर आएगा m माइनस दो, ऐसे करते रहेंगे। तो यहाँ पर फैक्टोरियल लिखा हुआ तो फैक्टोरियल लिख दो, एंड करना है तो फैक्टोरियल लिख दो, नहीं तो आपको घटाना पड़ेगा लास्ट तक। नीचे दे रखा है m माइनस दो का फैक्टोरियल, और दो का फैक्टोरियल का होता है दो इंटू एक बराबर छः, ये और ये आपस में आपके कट जाएंगे, और दो को गुणा कर लेंगे छः से, तिरछा गुणा कर लेना है आपको, तो m m माइनस वन और तिरछा गुणा कर देंगे हो जाएगा आपके बारह। अब सॉल्व करो इसको, तो m इंटू एम एम स्क्वायर, m इंटू एक m, प्लस का है अंदर ले आओ माइनस में हो जाएगा। अब आपको क्या है कि इसमें m क्या आ रहा है आपके, वो टुकड़े करेंगे हम, गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड, ऐसी कौन संख्या है गुणा करने पर 12 आए और घटाने पर 1 आए, तो वो है आपके 4 या 12। तो 1 आपके आएगा प्लस का, 1 आएगा आपके माइनस का। अब यहाँ पर माइनस है तो बड़ा वाला माइनस का, छोटा वाला प्लस का, इधर भी m, इधर भी m, पीछे दे रखा है माइनस के 12, आगे दे रखा है m स्क्वायर, हल करो। m कॉमन तो m माइनस 4, प्लस 3 कॉमन तो पीछे बचेगा m माइनस 4। अब m माइनस 4 आ गया आपके कॉमन, पीछे बचेगा आपके m प्लस 3 बराबर 0। अब आपके इसके दो उत्तर आएंगे, पहला उत्तर लेते हैं m माइनस का उधर ट्रांसफर कर दो तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का उधर भेज दो हो जाएगा आपके माइनस में। यहाँ पर ये क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि धनात्मक मान ज्ञात करना है, मतलब प्लस मान ज्ञात करना है, तो प्लस मान तो हमारा ये है, इसका मतलब m का मान आ जाएगा आपके 4, ये रहेगा हमारा आंसर, ऐसे ध्यान करना। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।